पहले आप लोग ये जान लें कि मैं छुट्टी पर घूमने नहीं गया था। मुझ जैसे लोगों को छुट्टी नहीं मिला करती क्योंकि इस देश के दुश्मन छुट्टियां नहीं मनाते। मैं इंटरपोल और दूसरी सीक्रेट सर्विसेज के एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहां यह पता लगा कि हमारा देश दुनिया का एक बड़ा ड्रग सेंटर बनता जा रहा है। जो इस मार्केट को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, और इसीलिए यहां पर माफिया में गैंग वॉर शुरू हो गया है। मेनन और ब्रिज इसी जंग के शिकार हुए, आगे और भी मरेंगे। इस ड्रग ट्रेड को हमें जड़ से उखाड़ देना है। आपने वो बांस और बांसुरी वाली कहानी तो सुनी होगी। शुक्ला, टेक ओवर फ्रॉम हियर। आप लोग इस मिशन पर कातिलों का पीछा कर रहे थे, और कर्नल चौहान आप सबका, ताकि मौका पड़ने पर आपको सही बैकअप दिया जा सके। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग सर। हाय कविता, कैसी हो तुम? भाई मुझे तो बहुत फिक्र हो गई थी जब मुझे पता चला कि तुम्हारे लिवर में प्रॉब्लम हो गई। बाय द वे कैप्टन वर्मा, मेरे लिवर में नहीं, मेरे पैर में प्रॉब्लम थी। भाई वैसे भी लड़कियों के पैरों में तो लिवर होता है ना, तभी तो तुम लंगड़ा कर चल रही थी ना। सॉरी सर, मैं तो बसी हुई। दरअसल कोई जानता है कि आप लोग इस मुल्क के ड्रग डॉन्स के पीछे पड़े हुए हैं, और वो कोई आपके पहुंचने से पहले उन मुजरिमों को खत्म करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कोई शायद डरता है कि हमें माफिया के किसी डॉन से कोई ऐसी बात पता लग जाएगी जो पता नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, हमें मेनन और उसकी बीवी के कातिलों का पता लगाना है, और उसका भी जिसने कैप्टन सुनील जोशी पर हमला किया। मेरा मानना है कि इसके बाद हम उस शख्स तक पहुंच जाएंगे जो अपने आप को बड़ी सफाई से छिपाए हुए बैठा है।